ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि हथकड़ी में आरोपी बोर्ड एग्जाम देने पहुंचा, पुलिस कस्टडी में दिया 12वीं फिजिक्स का पेपर। 9 जनवरी 2023 को आरोपी को किया था गिरफ्तार। सेंट्रल जेल से आरोपी को पुलिस लेकर पहुंची। नाबालिग को हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। जी हां, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। जी इमरान, बताएं कि किस मामले में आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था। बिल्कुल, देखिए सौम्या, आज ग्वालियर जिले के बेतरवार के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 12वीं की परीक्षा का नजारा कुछ अलग देखने में मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक जो स्टूडेंट था, जो 12वीं क्लास का छात्र था, वो हथकड़ी पहने परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, तो वहां पर और जो छात्र छात्राएं थे वो चौकन्ने रह गए, क्योंकि उसके साथ उसके हाथों में हथकड़ी बनी हुई थी और उसके साथ एक चार का गार्ड था। वहीं बताया गया है कि युवक पर पिछले दिनों नाबालिग बच्ची को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज है और वह सेंट्रल जेल ग्वालियर में बंद है। वहीं बेतरवार का निवासी युवक 9 जनवरी 2023 को इस पर 376 305 5 को एक्ट के तहत नाबालिग बच्ची को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज हुआ था। इस दौरान वह 12th की बायोलॉजी से तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी बीच मामले में 3 लोगों को आरोपी पुलिस के द्वारा बनाया गया था, जिसमें से एक आरोपी आज परीक्षा देने के लिए जब बेतरवार सेंटर पर पहुंचा तो उनके द्वारा जो वकील थे, आरोपी का जो वकील था, उसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में याचिका दायर की गई थी, जिसके परिपालन में आज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में फिजिक्स की परीक्षा देने के लिए उसे लाया गया था और इसकी बाकायदा परीक्षा सेंटर पर जो बालक कमरे में व्यवस्था की गई थी और जेल पुलिस के साथ साथ बेतरवार पुलिस के जवानों ने उसकी पहरेदारी के बीच उसकी परीक्षा संपन्न कराई। और जैसे ही छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, उसे देखकर अन्य छात्र भी अचंभित रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला होता है जब कोई आरोपी के हाथ में हथकड़ी हो और एक चार का गार्ड उसको परीक्षा दिलाने के लिए सेंटर पर लाया जाता, तो अन्य जो छात्र छात्रा रहते हैं वो एकदम उत्सित हो जाते कि इस तरह का शायद ये कौन है और किस तरीके से एग्जाम देने आया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब एसडीओपी बेतरवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर युवक परीक्षा देने आया है और सुरक्षा की उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जेल पुलिस और हमारे जवान वहां पर तैनात है और उसको बाकायदा जितने भी एग्जाम है, उसके मतलब जो 12th क्लास में बायो से जितने भी एग्जाम है, उसको पूरी परीक्षाएं वहां से जेल से लाया जाएगा और उसको परीक्षा संपन्न कराई जाएंगी। जी सौम्या। इमरान, मामले की तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।